काफ़ी बड़ा है, मैंने इनसे पूछा लेकिन वो बता रहे हैं कि जी वो अंडल नहीं है, खस्सी बकरा है। ये देखें, एक मज़े की बात आपको बताऊं, आप लोगों ने पहले भी ना मंडियों की दूसरे चैनल्स की वीडियोस भी देखी होंगी, मेरी भी देखी होंगी, इतना बड़ा बकरा ना 1.5 लाख डिमांड करते हुए आपने किसी को भी नहीं सुना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, एक मरतबा फिर खुशामदीद। सुल्ताना फाउंडेशन मंडी इस्लामाबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और बड़े बैलों की तो मैंने आपको वीडियो दिखा दी, काफ़ी बड़ी मैंने वीडियो बनाई थी, तकरीबन सारी मंडी मैंने बड़े जानवरों की कवरेज की थी, जिसमें सस्ते छोटे बड़े महंगे सरिये तकरीबन सारे जानवर दिखाए थे। अब जो है वो मैं बकरा वाली साइड पे आ गया हूँ, लेफ्ट साइड पे जो बकरा वाली साइड थी, तो सारा आपको व्यू नज़र आ गया होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें जी बकरा साइड, ये सारी जी बकरा सेक्शन है, और दूर दूर तक यहाँ पर बकरे ही नज़र आ रहे हैं। बड़े जानवरों की निस्बत छोटे जानवर ज़रा कम आए हैं फ़िलहाल, लेकिन आ रहे हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं है, अच्छे खासे जानवर हैं। थोड़ा सा आपको मंडी का विज़िट कराते हैं, आप किस तरह करें कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमें आप अप्रिशिएट करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा काम आप लोगों के लिए हम करेंगे। तो आएँ जी थोड़ा सा ना मंडी का विज़िट करते हैं, और आपको ना थोड़ी सी बकरों की अपडेट भी दे दें कि जी किस रेंज में यहाँ पर बकरे हमें मिल रहे हैं। हाँ जी थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा ना आपको कोई अंडल बकरे भी दिखाते हैं, मस्ती वाले अंडल बकरे लोग मांगते हैं, और देखते हैं। तो ये बकरा अंडल है जी, कितने पैसे मांग रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, 75,000 रुपये, और सफ़ेद का, ये सब 75 वाले हैं, सारे अंडल हैं, सारे अंडल हैं। इस साइज़ में कोई खसी भी खड़ा है कोई आपके पास, अच्छा ये सब अंडल हैं जी, 75,000 रुपया इनका कह रहे हैं। दोंदे हैं मुँह से, दोंदे हैं, ठीक है, ये दोनों बकरे माशाल्लाह जोड़ी खूबसूरत है। तो जो दोस्त भाई कह रहे थे ना अंडल बकरे दिखाएँ मस्ती वाले, वो देख लें मस्ती वाला अंडल बकरा, हो ये भी है इसी प्राइस रेंज में 75,000 रुपये, मस्तियाँ कर रहे हैं, छोटे भी हैं इसमें हांडल में। वो जो जी सामने खड़ा है कितने पैसे हैं उसे, 40,000 रुपया ये हांडल में, मेरा ख्याल सबसे कम कीमत वही होगा छोटा, 40,000 रुपया जी, और हांडल में सबसे छोटा मुझे यही नज़र आ रहा है, और कम अज़ कम कीमत वाला यही है। इनके पास तकरीबन सारे अंडल बंदे में बड़े खूबसूरत बकरे, बड़े बड़े हैं, 75,000 की रेंज में बता रहे हैं मैक्सिमम। हाँ जी अंडल सेक्शन से थोड़ा सा चलते हैं आगे, खसी बकरे भी आपको दिखाते हैं, खसी बकरों की क्या प्राइस रेंज चल रही है, और कितने में आपको ना मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये राजनपुरी हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, वो तो बहुत बड़े बड़े थे बकरे, और ये खूबसूरत सफ़ेद, अस्सलाम वालेकुम, क्या है जी ये राजनपुरी हैं जी, राजनपुरी हैं जी, ये खसी सारे, ठीक है, अभी ये अंडल आपको दिखा दिए जी, और राजनपुरी में आपको खसी दिखाते हैं, खूबसूरत बकरे होते हैं ये, ज़िला ये रहीम यार खान से कब आए, कल आए हैं जी माशाल्लाह, क्या कह रहे हैं जोड़ी का इसका, 2,30,000 रुपया, अच्छा तो ये एक ही कीमत है बराबर बराबर, या ये बड़ा है और वो छोटा है, इसके अलग से कितने पैसे, 1.5 लाख रुपया इसका कह रहे हैं। मुंह से क्या है ये, मुंह से धोंदा है ये, अच्छा माशाल्लाह 1.5 लाख डिमांड कर रहे हैं, कमी बेची तो होगी ना, तो इसमें राजनपुरी में सबसे सस्ते वाला भी हमें कोई बकरा दिखाए ना, ये कितने का कह रहे हैं, 95, ये सबसे सस्ता है जी 95 में, दिखाएं धोंदा है ना, 95,000 रुपये कह रहे हैं इसका, तो ये रत्ती दुम इसलिए कह रहे हैं कि बाकी सारे फुल सफ़ेद हैं, इसकी ना ये दुम सुर्ख है, तो इसलिए ये रत्ती दुम है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह बकरा। राजनपुरी आपको पता है खूबसूरती की वजह से थोड़े से पसंद ज़्यादा किए जाते हैं, फिर उनके रेट भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कि इनके वज़न भी मुझे ना ज़रा, वो जो 1.5 लाख में दिखाया है कितना वज़न होगा गोश्त का जी उसका, जो 1.5 लाख वाला दिखाया है इसका, वो 1.5 लाख जो दिखाया है उसका कितना वज़न होगा गोश्त का, 45 किलो गोश्त है, मतलब ज़िंदा का आया है कोई 90-100, ठीक हो गया,
ठीक हो। अच्छा जी, मंडी का व्यू देख लें, ख़रीदार अच्छे खासे माशाल्लाह घूम रहे हैं। बकरा सेक्शन में ख़रीदार ज़्यादा है, बड़े जानवरों की निस्बत ना छोटे जानवरों की मंडी में तादाद ज़्यादा है ख़रीदारों की, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, पता भी चल जाता है कि जी सीरियस बायर कौन है, वो जिस तरीके से जुनसाना जानवर देख रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, तो पता चल जाता है कि यार इन्होंने ख़रीदना है। चस्कुल्ले कम होते हैं, बड़े जानवरों वाले में ना हमें ज़्यादातर वो देखने वाले ही मिल रहे थे, ख़रीदने वाले कम ही थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर मरतबा छोटे जानवरों की ना डिमांड ज़्यादा है और ख़रीदारी भी। अच्छा ये बताएं, सबसे कम कीमत वाला आपके पास बकरा कौन सा है, तो हम दोस्तों यारों को दिखाएं। सबसे कम वाला कितने रेंज में, मतलब आपकी उसमें ना सबसे कम कीमत जिसकी हो, सबसे छोटा। सबसे छोटा 40। 40,000 बकरा कौन सा है, ताकि हम दोस्तों को दिखाएं जी। 40,000। अच्छा जी ये देखें जी, माशाल्लाह 40,000। अच्छा बकरा तो ठीक लग रहा है, ये देखें जी 40,000। ठीक है, बाकी नस्ल के हिसाब से मेरे ख्याल पैसे होंगे, ऐसा ही है। ये देसी है, आपके पास सारी देसी हैं तकरीबन? वो सामने सफ़ेद खड़ा है, वो भी देसी। इसके कितने पैसे? इसका 70,000 है। 70,000 इसके, 70 बड़े के। अच्छा इसके भी 70,000 है। मुँह से दोनों दोंदे बड़े, ये चोगा हुआ हुआ है। ठीक है, खसी है। ठीक है, इसके कितने पैसे? इसके 70। 70,000 रुपया। इसको यहाँ से दिखाते हैं, देखिए जी 70,000 रुपये में ये डिमांड कर रहे हैं, बाकी मौके पे कमी बेची तो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी वो जो पीछे खड़ा है ना, क्या कह रहे हैं उसका लास्ट कीमत में, जो ये दोनों खड़े हैं 35 पैसे लास्ट कीमत है दोनों, 35,000 रुपया फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है, 70,000 की जोड़ी। सही सही, तो ये देख लें 35,000 की रेंज में, जो दोस्त भाई पूछ रहे थे ना कि 50 से नीचे नीचे 35, 40, 45, वो ये और साथ में ये, जिस हिसाब से महंगाई है भाई के, ऑफ़ कैमरा में मेरी यही बात हो रही थी, जिस हिसाब से महंगाई है, इनको गाड़ी की ट्रैवलिंग पड़ी है, यहाँ पर इन्होंने चार्जेस दिए हैं खुराक वगैरह फिर पालना, तो बकरा प्राइसेस जो इंसान है इस मतलब हाई हैं, बड़े की भी प्राइसेस हाई हैं, सारे जानवरों की तकरीबन डबल चल रही हैं। लेकिन ये कि आपको हर रेंज के बकरे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जी मंडी की क्या सिचुएशन चल रही है। काफ़ी सारे दिखा रही हैं बकरे वाले सेक्शन में, यहाँ पर एक सेक्शन में ना मुझे एक स्टॉल पर दुम्बे भी नज़र आए हैं, और दुम्बे भी माशाल्लाह अच्छे खासे दुम्बे, बड़े और वज़नी दुम्बे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं सफ़ेद कलर के। आपको पता है कि सफ़ेद वैसे भी, इनके पास एक मुझे मक्खी चीना भी नज़र आ रहा है। ये अंडल है जी, बड़ा खसी है ये, तो कितने दांत है? 1,60,000। कितने दांत है? 4 दांत है। 1,60,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं इसका। ये सुरख वाले की बात कर रहे हैं ना? हाँ मैं सुरख का पूछ रहा हूँ। अच्छा दुम्बों का क्या कह रहे हैं जी? 1,50,000, 1,20,000। सबसे सस्ता 1,20,000 रुपया। कौन सा ये सामने जो खड़ा है, ये वाला तो नहीं? यही है। तो सबसे बड़े वाला कौन सा है महंगा? आगे का थोड़ा सा जी, ये आप जो ही एंट्रेंस पे आते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे आपको बकरा सेक्शन नज़र आएगा, और लेफ्ट साइड पे अंदर आते साथ ही इनका स्टॉल आपको ना, ये स्ट्रीट नंबर वगैरह कोई नहीं है इधर? नहीं है। अच्छा स्ट्रीट नहीं है, बारह लेफ्ट साइड पे आप जो ही आएंगे बकरा सेक्शन में, आपको फर्स्ट स्टॉल ही तकरीबन इनका आपको मिलेगा। और ये बड़ा बकरा दिखा रहे हैं जी, दुम्बा, सॉरी मैं भूल गया, इसका क्या कह रहे हैं? ये बड़े दुम्बे का 1,50,000 रुपया। मुँह से दोंदा है ये? चौगा है। ये चौगा है। और ये वाला? ये दोंदा है। ये दोंदा है। ये 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000, इस तरह की इनकी डिमांड है। बकरा आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा करीब से, मक्खी चीना बड़ा खूबसूरत बकरा है, काफ़ी बड़ा है। मैंने इनसे पूछा लेकिन वो बता रहे हैं कि जी वो अंडल नहीं है, खसी बकरा है। ये देखें, एक मज़े की बात आपको बताऊँ, आप लोगों ने पहले भी ना मंडियों की दूसरे चैनल्स की वीडियोज़ भी देखी होंगी, मेरी भी देखी होंगी, इतना बड़ा बकरा ना 1,50,000 डिमांड करते हुए आपने किसी को भी नहीं सुना होगा। ये 1,50,000 रुपया बहुत रीज़नेबल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी माशाल्लाह बड़ा बकरा है, और अंडल भी नहीं है, फसी है बकरी जो है, अब बकरा है सॉरी, तो वीडियो नहीं बनाने दे रहा, मैं बना रहा किसी और की वीडियो, लेकिन इसका दिल है कि जी इसकी वीडियो आए। ये देखें, चलें आप लोग भी इंजॉय करें, लेकिन ना मुझे बकरे की वीडियो नहीं बनाने दे रहा। इसका 1,50,000 कह रहे हैं, तो कमी बेशी कितना होगा? 10,000 होगी। 10,000 कमी बेशी होगी। माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा और जॉइंट किस्म का बकरा है। ये भाई को अगर कहें इसके पास खड़ा हो मुंह ऊपर करके, तो ज़रा नज़र आएगा ये। आप कहते होंगे मैं इस बकरे पे इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, लेकिन ये बकरा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बकरा है, देखें
भाई साहब के पास खड़ा तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी हाइट का। पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, इसी बहाने बकरा वज़नी है। 10,000 की गुंजाइश वो मुझे कह रहे हैं जी होगी, मतलब 1.5 लाख डिमांड कर रहे हैं तो 1.40 का कह रहे हैं। बाकी आप आएँ मौके पे इंशाल्लाह पसंद करेंगे तो कुछ ना कुछ वादा घटा हो ही जाएगा, लेकिन बकरा ही माशाल्लाह अच्छे वेट का है। इसी मक्खी चीने के साथ ना इतना ही बड़ा बकरा, इससे थोड़ा सा हाइट में शायद कम है, लेकिन ये राजनपुरी वाइट ज़्यादा है। अच्छा, वज़न में ज़्यादा है, वज़न में ये ज़्यादा है, हाइट में शायद थोड़ा सा कम है लेकिन वज़न में ज़्यादा है। माशाल्लाह भारी है और ख़ूबसूरत बकरा है। इसका भी 1.5 लाख कह रहे हैं जी? जी इसका भी 1.5। अच्छा, इधर होना ज़रा, ये देखें दोनों बकरे आपको ना थोड़ा सा ना दूर से दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह 1.5 लाख रुपया दोनों का कह रहे हैं। ये बकरा मुझे काफ़ी वज़नी लग रहा है। वज़नी है? हाँ वज़नी है। उधर ले जाएँ तो मैं ज़रा दिखा दूँगा, पीछे से आप ले जाएँ तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना वज़नी है। माशाल्लाह उधर ही ले जाएँ ना, ले जाएँ। देखें जी माशाल्लाह अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बकरा वज़नी है, भारी है, खूबसूरत है। बाकी ये वाला तो खैर बहुत बड़ा बकरा है, माशाल्लाह खूबसूरत बकरे हैं। आएँ जी ज़रूर, एंट्रेंस से जो ही आएंगे लेफ्ट साइड पे ना आपको पहला स्टॉल नज़र आएगा, तो ज़रूर आएँ इनके पास। अच्छा जी, अंधेरा हो गया, शाम होगी जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइटिंग वगैरह ऑन हो गई है, और क्योंकि रोशनी यहाँ पर ज़रा सही पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि चलें आपको यहाँ थोड़े से खूबसूरत बकरे नज़र आ रहे थे और लाइटिंग भी पड़ रही थी तो आपको ना लाइटिंग में ये बकरे दिखा देते हैं। हाफिज़ साहब क्या हाल है? ठीक हैं। बकरे आपके हैं? अच्छा माशाल्लाह। ये सामने वाले भी? हाँ ये सारे मेरे। ये नस्ल कौन सा है? बड़ा खूबसूरत खूबसूरत बकरा है। लकी मरवत से आए हैं? अच्छा माशाल्लाह। कितना पैसा कह रहे हैं इसका? 75,000। मुँह से दोंदा है? ये 60,000 है। अच्छा 75,000। वो बड़ा वाला कितने का? 1,20,000। जो डिमांड कर रहे हैं इसमें कमी पेशी भी करेंगे? अच्छा चाय पानी सिर्फ छोड़ेंगे? नहीं, थोड़ा सा ज़रा ऊपर गुजारा करें ना। ख़रीद के लाए? इस नस्ल में सबसे सस्ते वाला बकरा कौन सा है आपके पास? सस्ता वो खड़ा है वो देख, वो पीछे तंबू में, ये एक ही खड़ा है। ये भी स्टॉल आपका है? नहीं लेकिन। अच्छा तो उसका कितना पैसा है? उसका है 35,000। अच्छा 35,000 रुपया। बाकी आपके पास ये सबसे महंगे वाला है? ठीक है। 1 लाख। ये अंडल है खसी है? अंडल है। सारे अंडल हैं? सारे अंडल हैं। ठीक हो गया। अंडल बकरे 1,20,000, 1 लाख, ठीक है 70,000, और ये 60,000। ठीक है 35,000 वाला भी आपको दिखा देते हैं। हाफिज़ साहब बड़ी मेहरबानी, आप लकी मरवत से आए हैं, और ये अंदर से जब आप एंटर होंगे ना, ये मेन रोड चल रही है जी, मेन रोड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे इनका स्टॉल है। आए बड़े खूबसूरत बकरे हैं इनके पास माशाल्लाह। ये सामने भी छोटे छोटे हैं हाफिज़ साहब, ये कितने के हैं? 35,000 रुपया। ये सब धोंदे हुए हैं? ये लेंगे, ये भी आपको 35,000 के बकरे दिखा देते हैं। ठीक है, और सफ़ेद वाला कितने का है लाला? वो वाला अच्छा, वो भाई साहब का है। ये क्या है, नस्ल कौन सी जी? ये राजनपुर में। अच्छा राजनपुर। पैसे कितने हैं? 1,40,000 है। इस वाले के? इसका 45,000। और उसके? 65,000। उन दोनों के 65,000 रुपया, और इसका 45,000 रुपया। तीन ही लाए हैं? एक ये है। ये देसी है? हाँ जी। ये हैं खसी हैं सारे? हैंडल हैं? हैंडल हैंडल खसी है। ठीक है, इसका 50,000 रुपया जी। ठीक है माशाल्लाह, ये खूबसूरत बकरे हैं आपके। बाकी ये देख लें जी, ये मेन रोड के बिल्कुल किनारे पे मैं खड़ा हूँ, क्योंकि लाइट वगैरह यहाँ से ही पड़ रही थी तो मैंने कहा इनके बकरे आपको दिखा देते हैं। आएँ ज़रूर विज़िट करें, सुल्ताना फाउंडेशन में अच्छा माल आ गया। आए आपको दिखा देता हूँ इसी नस्ल में, ये जो सामने बता रहे थे ये 35,000 का जी बकरा खड़ा है, सेम उसी नस्ल में ये, और 35,000 रुपया इसकी डिमांड कर रहे हैं। देखें जी, ऐसा बकरा अगर फ़र्ज़ करें आपको अगर मिलता ना 25,000 में, तकरीबन 20,000 में तो नहीं मिल सकता। अगर 35,000 मांग रहे हैं ना ज़ोर मार के, अगर आप ले लेते हैं ये 25,000, 27,000, 28,000 तो ठीक है। ये है तकरीबन 14-15 किलो का गोश्त का।
दोस्तों भाइयों, अब काफ़ी लेट हो गया, अंधेरा हो गया और मैंने आपको तकरीबन सारा बड़े जानवरों का सेक्शन और बकरों का भी सेक्शन दिखा दिया, ठीक है। और एक वीडियो इसलिए बनाई है ताकि एक ही वीडियो में आपको पता चल जाए कि जी मंडी की क्या सिचुएशन है बड़े जानवरों की, छोटे जानवरों की। वैसे आप आमतौर पर आपको पता है कि जी मैं छोटी छोटी वीडियोज़ 8-8, 10-10 मिनट की बनाता हूँ, ये थोड़ी सी लंबी इसलिए बनाई है ताकि सारी मंडी कवर हो, ठीक है। तो दो वीडियो बनाई है, बकरों की अलग और बड़े जानवरों की अलग। सुल्ताना फाउंडेशन का फिलहाल ना आधे जगहों पे मुझे रेट अच्छे लग रहे हैं और आधे जगहों पे थोड़े से रेट ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। बाकी ये है कि मौके पे इंशाल्लाह आएंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा जानवर मिल सकता है। थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा और हमारी तरफ पसीने निकालने पड़ेंगे। तो इसी के साथ अब इजाज़त दें, चलते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट विजिट में आएंगे और इस्लामाबाद की मज़ीद बड़ी मंडियाँ भी जो है वो कवर करेंगे। इजाज़त दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।